नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ निशा। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार कर रही है। टीम ने उधमसिंह नगर के किच्छा थाना क्षेत्र से करीब 90 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए नशा तस्कर से करीब 323 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि एसटीएफ द्वारा इस साल अब तक 6.281 किलोग्राम स्मैक, 19.808 किलोग्राम चरस, 5.322 किलोग्राम अफीम और 300 किलोग्राम डोडा पोस्ट, MD 7 ग्राम मादक द्रव्यों की बरामदगी की गई है और 39 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ कुमाऊं यूनिट को उत्तराखंड के सभी जिलों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में CO एसटीएफ कुमाऊं RV चमोला और प्रभारी निरीक्षक एसटीएफ कुमाऊं यूनिट पावन स्वरूप के नेतृत्व में कल देर शाम को उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना किच्छा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस को साथ लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए दराऊ रोड पर मोक्ष द्वार पुराना ईंट भट्टा के सामने से एक व्यक्ति हामिद रजा निवासी बरेली उत्तर प्रदेश, जिसकी उम्र 58 साल है, उसे करीब 323 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि बरामद की गई स्मैक को वो उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर आया था, जिसको आज रुद्रपुर में बेचने जा रहा था। ऐसे में एनटीएफ टीम द्वारा पूछताछ में अन्य कई ड्रग्स तस्करों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर अलग अलग से कार्रवाई की जाएगी। वहीं तस्करी के धंधे में लिप्त अभियुक्त बीते 2 सालों से बरेली मीरगंज से स्मैक लाकर रुद्रपुर सितारगंज किच्छा क्षेत्र में अपने फिक्स एजेंटों की सप्लाई कर रहा था। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।